are watching BNS News. वेलकम टू टुडेज़ क्रिप्टो न्यूज़। चलिए पहले हम देखते हैं आज की हेडलाइंस। चाइनीज बिजनेसमैन ने स्टीव बैनन से लिंक्ड है बिलियन डॉलर क्रिप्टो स्कैम चलाने के दोषी पाया गया। ओकेएक्स ने मल्टीपल स्पॉट ट्रेडिंग पेयर्स को डिलिस्ट करने का अनाउंसमेंट किया, इंक्लूडिंग CEL और OMG। EU ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट शिफ्ट हो चुके हैं बियॉन्ड द हाइप टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। मिस्टीरियस 150 मिलियन XRP रिपल ट्रांसफर ने कम्युनिटी को स्टन किया। बिटकॉइन सेल्फ कस्टडी मासेस तक पहुंच रहा है विद न्यू क्रिप्टो रेट। AI मीन कॉइन वीनो AI ने $7.5 million रेज किए विद 14 डेज रिमेनिंग ऑफ pre-sale। बिटफिनिक्स डेरिवेटिव्स ने थालिक्स क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ इंटीग्रेट करने का अनाउंसमेंट किया। फेकी NFT शटडाउन में trip.com ने कम्युनिटी ब्लैकलैश स्पार्क किया। निगा कॉइन ने एयरड्रॉप और मीम फोटो कंटेस्ट इवेंट्स अनाउंस किए। शिबा इनू एक मेजर बुलिश एच पर है जब 2.6 बिलियन शिप 24 घंटों में ट्रेडेड हुए। बिटकॉइन ETFs ने मेजर $16 बिलियन माइलस्टोन क्रॉस किया। क्रिप्टो फ्रेंडली VC एंडरसन हॉरोविट्स ने ट्रंप कैंपेन को सपोर्ट किया। आज 17 जुलाई को US अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने एक स्टेटमेंट पब्लिश किया जिसमें गो के स्कीम्स का एंड अनाउंस किया। गो ने इन्वेस्टर्स को डिफ्रॉड किया अपने लाइफस्टाइल को फंड करने के लिए, जिसमें एक $37 मिलियन की याच भी शामिल है। विलियम्स ने गारंटी की कि गो डिकेड्स तक प्रिजन फेस करेगा। लीडिंग क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज OKX ने अनाउंस किया कि वो काफ़ी स्पॉट ट्रेडिंग पेयर्स को डिलिस्ट करने के ताकि रोबस्ट ट्रेडिंग एनवायरनमेंट मेंटेन किया जा सके। ये डिसीजन एक रेगुलर परफॉर्मेंस रिव्यू और यूजर्स के फीडबैक को बाद लिया गया। OKX टोकन डिलिस्टिंग कंसीलमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से अफेक्टेड पेयर्स में CEL USDT, CEL USDC, OMG USDT और दूसरे पेयर्स भी शामिल है जो 23 जुलाई 2024 को सुबह 11 बजे से 11:30 बजे के बीच डिलिस्ट होंगे। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ट्रस्टेड ब्लॉकचेन्स एप्लीकेशंस ने एक नया रिपोर्ट रिलीज किया है जो हाईलाइट करता है कि यूरोपियन यूनियन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स के ट्रेंड्स हाइप साइकिल के आगे बढ़ चुके हैं। इनाडबा के हिसाब से ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट्स रीजन में अब हाई फेज में नहीं है, बल्कि प्रोजेक्ट्स अब फोकस कर रहे हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करने पर अक्रॉस इंडस्ट्री या पब्लिक सेक्टर। एक वॉपिंग 150 मिलियन XRP रिसेंटली मूव किए गए एक वेल नोन रिपल एड्रेस से, जैसा वेल अलर्ट ने रिपोर्ट किया। इस आई कैचिंग सम का डिस्टिनेशन हावेवर एक मिस्ट्री बना हुआ है। क्रिप्टोकरेंसी सेल्फ कस्टडी जो इन्वॉल्व करता है ओनर को अपने क्रिप्टो होल्डिंग्स पर एक्सक्लूसिव कंट्रोल देना, रिन्यूड अडॉप्शंस देख रहा है थैंक्स टू एक नए वेरिएबल्स कोल्ड वॉलेट के इंट्रोडक्शन के कारण। विनर AI एक नया मीम कॉइन जो AI टेक्नोलॉजी फीचर करता है ने अपने ऑनगोइंग प्री सेल फेज में $7.5 मिलियन माइलस्टोन क्रॉस कर लिया। प्री सेल 2 हफ्तों में कंक्लूड होगी। उस पॉइंट पर Y टोकन्स अपने ओपन मार्केट पर डिब्यू करें। बिटफिनिक्स डेरिवेटिव्स ने अनाउंस किया कि कोलैबोरेशन विद क्रिप्टो डेरिवेटिव एक्सचेंज थालिक्स के साथ ताकि अपने पोर्टफोलियो ऑफ सर्विसेज को एक्सपैंड किया जा सके, इंक्लूडिंग ऑप्शंस और डेटेड और पर्पिटल फ्यूचर्स ट्रेडिंग। सिंगापुर बेस्ड ट्रैवल सर्विस कॉन्ग्लोमेरेट trip.com ने क्रिटिसिजम्स फेस किया फ्रॉम द क्रिप्टो कम्युनिटी जब उसने अनाउंस किया टर्मिनेशन ऑफ इट्स नॉन फंजेबल टोकन प्रोजेक्ट कॉल्ड ट्रेकी। 16 जुलाई को प्रोजेक्ट एक ऑफिशियल एक्स अकाउंट ने पोस्ट किया ये ऑफिशियल टर्मिनेट हो जाएगा 1 अगस्त को। प्रोजेक्ट ने कहा कि सारी फीचर्स फॉर इट्स फेज 2 प्लान कैंसिल हो जाएगी और इसके कम्युनिटी ऑपरेशंस क्लोज डाउन हो जाएंगे। That's all for today's crypto news. Stay tuned for more updates.